हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये बच्चों का बहुत ही प्यारा सा टू कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए दोस्तों, आप इसको बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन हमारा रॉन्ग साइड से बनना शुरू होता है। देखिए दोस्तों, बॉर्डर बनाने के बाद हमने ये चार रो हमने उल्टी सीधी बनाते हुए तैयार की, फिर दूसरा कलर लगाया। अब देखिए दोस्तों, जो ये यहाँ से शुरू हुआ वही अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये दूसरा कलर जब हम लगाएंगे तो रॉन्ग साइड से ही लगाएंगे। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही उल्टी बनेगी, ऐसे। इस रो को हम पूरा उल्टा ही बनाते जाएंगे। इस रो को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जिस साइड से हमारा दूसरा कलर लगता है वहां से वो पूरी रो ही हमारी उल्टी बनती जाएगी। अब ये दूसरी रो बनाएंगे जब हम ये दो फंदे ऐसे ही सीधे बना लेंगे, दो तीन फंदे, दो दो फंदे बनाने के बाद धागा आगे ले आएंगे, फिर तीन फंदे हम सीधे ऐसे ही बना लेंगे। तीन फंदों का ये डिजाइन है। अब जो धागा घुमा के फंदा बनाया था, तीन फंदे बना लेंगे ऐसे। जो ये हमारा तीसरा फंदा था सीधे वाला जो शुरू में बनाया था, इनको इन दो के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम तीन फंदे फिर बना लेंगे। ऐसे तीन फंदे बना लेंगे। जो ये तीसरा फंदा है ये इन दो के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम तीन फंदे सीधे बना लेंगे ऐसे सीधे। इस तीसरे फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे ऊपर से उतार देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ऐसे ही तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर जो एक पहला फंदा है तीसरे वाला, इसको इन दो के ऊपर से बनाएंगे ऐसे। ये तीन फंदों का ये डिजाइन है, इसे हम स्टार डिजाइन बोलते हैं। जो हमारा ये फंदा घटता है, ये एक जाली वाला फंदा हमारा फिर बढ़ जाता है, फिर धागा आगे करेंगे, फिर वही तीन फंदे ऐसे ही बनाएंगे सीधे। फिर जो तीसरे वाला फंदा है, दो के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे ले आएंगे, ऐसे ही तीन फंदे। दो को ऐसे उतार देंगे दो के ऊपर से, फिर धागा आगे करते हुए तीन फंदे सीधे बनाएंगे। इस तीसरे फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे करेंगे। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनती जाएगी, धागा घुमाते हुए तीन फंदे सीधे बनाएंगे, और इस तीसरे फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे।
फिर धागा आग जलाएंगे, ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर वही तीन फंदे सीधे बनाएंगे। आगे करेंगे, फिर तीन फंदे ऐसे ही सीधे बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर ऐसे ही अब ये दूसरी साइड से अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें दो दो सिलाइयाँ, एक एक कलर की दो दो सिलाइयाँ बनती जाएंगी। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही उल्टी बनती जाएगी। इस रो को हम पूरा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये रो हमारी उल्टी बन के तैयार हो गई। अब देखिए दोस्तों, पहले हमने जो ये ग्रीन कलर था इसमें हमने यहाँ पर दो फंदे सीधे बनाए थे, अब की बार हम ये चार फंदे बनेंगे हमारे सीधे, एक दो तीन और चार, फिर हम धागा घुमाएंगे आगे। पहले जैसे तीन फंदे हमने बनाए थे सीधे, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे जो यो जाली वाला फंदा है ना, इन तीन फंदों के बीच में रखना होगा ऐसे। इन तीन फंदों को सीधे बनाएंगे, हर जाली वाला फंदा बीच में रहेगा ऐसे, जब इन तीन का जोड़ बनता जाएगा ऐसे तो हमारा डिजाइन ठीक बनता चला जाएगा ऐसे। पहले दो लिए थे, अब यहाँ पे चार फंदे सीधे लेके फिर धागा आगे घुमा लिया और ये तीन फंदे देख, अब ये हमारा जो जाली वाला है ये बीच में आ गया। तीन फंदे जो सीधे बनाते हैं उनके तीन फंदे बन गए ये सीधे। अब फिर इसको इन दो के ऊपर से, अब जैसे पहले ये स्टार यहाँ पे बना था, अब ये यहाँ पे बीच में आ गया, ऐसे ही हमारा डिजाइन बनता हुआ नजर आएगा। फिर धागा आगे करेंगे, अब जैसे ये तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे तो ये जाली वाला फंदा ये बीच में आना चाहिए, बस इसी बात का ये आपने ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा डिजाइन ठीक नहीं बनेगा। तीन, बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही हम एक फंदा ये कटाते हैं तो एक जाली वाला घुमा के ये फंदा हमारा बढ़ जाता है, वही फिर तीन फंदे हो जाते हैं। फिर धागा आगे करेंगे, फिर वही तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, इस तीसरे फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से घुमा लेंगे इसको, फिर तीन, सिर्फ धागा घुमाते हुए तीन फंदे सीधे बनाने हैं और तीसरे फंदे को दो के ऊपर से ड्रॉप करते जाना है। दूसरी साइड से हमारी ये पूरी रो उल्टी ही बनती आएगी। फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे ही तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे और ये तीसरा फंदा जो इसको इन दो के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। बस सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है, जो हमारा जाली वाला फंदा है वो तीन फंदों के बीच में आना चाहिए, जब भी हमारा डिजाइन सही बनेगा, नहीं तो ये स्टार
ठीक बनते नजर नहीं आएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हम जाली वाला अपन दाई बीच में लेंगे तो तभी हमारी ये स्टार डिजाइन बीच में ही बनता नजर आएगा। सिंपल सा डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए धागे आगा करते हुए तीन फंदे हम फिर ऐसे ही सीधे बना लेंगे। एक ही सिलाई में डिजाइन बनता है, देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। देखिए ऊपर से तीन फंदों के ऊपर से एक फंदे को उतार देंगे दो के, फिर धागा आगे करेंगे, फिर वही तीन फंदे बना लेंगे और तीसरे फंदे को इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे कर लेंगे, फिर ऐसे ही तीन फंदे बना लेंगे, तीसरे फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर धागा आगे कर लेंगे, फिर ऐसे ही तीन फंदे फिर बना लेंगे, हर तीसरे फंदे को इन दो के ऊपर से ऐसे ही ड्रॉप करते हुए जाना है। ये तीन फंदे ऐसे ही एक फंदा जो इसको हम सीधा ही बनाएंगे। देखिए दोस्तों अगली पूरी रो हमारी उल्टी बनेगी, फिर वही दो फंदे हम इस साइड में आएंगे, जैसे ये उल्टी बन के हुए पूरी बन जाएगी उल्टी, ऐसे उल्टी बनती हुई जाएगी। दूसरा कलर लगा लेंगे। अब ये हमारी पूरी रो उल्टी बन के कंप्लीट हो गई। देखिए अब हम आते हैं राइट साइड में। अब जो ये फंदा हमारा, ये फंदा हमारा जाली का है, ये वाला बीच में, ये रहा एक जाली का, एक फंदा ये जाली का। जैसे अब हम यहाँ पे ये तीन फंदे ऐसे ही सीधे बना देंगे। सिर्फ यही ध्यान रखना है, जो तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे वो जाली वाला फंदा हमारा बीच में आना चाहिए। अब करेंगे आगे धागा, फिर ऐसे ही तीन फंदे हम बनाएंगे, ये तीसरा फंदा, फिर दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे ही ये जाली वाला फंदा हमारा बीच में। इस तीसरे फंदे को हम ऐसे ही दो के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे करेंगे। ये जो जाली वाला फंदा है, धागा घुमाने के बाद ये तीन फंदे बनाते हैं, जो इस दूसरी रो का ये है जाली वाला फंदा बीच में आना चाहिए हर बार, तीन फंदों के बीच में जाली का, जो भी हमारा डिजाइन सही बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ऐसे ही हमारा ये डिजाइन। देखिए दोस्तों, आपको अगर मेरा डिज़ाइन और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।